हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन त्रैमासिक एग्जाम के लिए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पेपर कितने मार्क्स का रहने वाला है, कितने घंटे का होने वाला है। तो पेपर 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक आपके 70 नंबर का रहेगा। और नीचे कुछ निर्देश दे रखे हैं आपको, इन्फॉर्मेशन जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, इनमें समय बर्बाद ना करते हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रावण के लिए पशुओं में दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन और डी है एडिनेलिन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दूध के निर्जमीकरण के निम्नलिखित में कौन सा लाभ होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डबल टोंड दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। फोर्थ है, ब्यूराइटोमीटर में अंकन होता है, आपको बताना है 0 से 10 तक होता है, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक या फिर 31 से 40 तक। फिफ्थ है, सहकारिता एक संगठन है, आपको बताना है कौन सा संगठन है, सरकारी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, स्वैच्छिक या फिर स्थायी। सिक्स है, न्यू हैम्पशायर एक नस्ल की मुर्गी है, आपको बताना है कौन से नस्ल की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी एक एक नंबर के हैं। पहला है, आसील एक खाली जगह नस्ल की मुर्गी है। सेकंड है, खाली जगह गाय में सामान्यतः मोटापा बढ़ जाता है। थर्ड है, अंडपीत फॉस्फेट एक तनुकारक है। फोर्थ है, खाली जगह विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। फिफ्थ है, हिसार नस्ल के पशु का मूल स्थान खाली जगह है। सिक्स है, कार्टिलेज खाली जगह प्रोटीन का बना होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको सही जोड़ा मिलाना है कै का खै के साथ। तो इसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आपको कै में दे रखा है ऑपरेशन फ्लड, सेकेंड है अमूल, थर्ड है अमेरिकन वर्ग, फोर्थ है मेडिटेरेनियन वर्क और फिफ्थ है इंडो स्विस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, गाय के शरीर के किस भाग में ग्रीवा मैंगता पाया जाता है। सेकंड है, लाल रंग की गायें जिनके शरीर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं किस नस्ल से संबंधित हैं। थर्ड है, दुग्ध व्यवसाय के निकास के लिए देश में टेक्नोलॉजी मिशन कब शुरू किया गया। फोर्थ है, दुग्ध न्यायादर्श को संरक्षित रखने के उद्देश्य से उसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है। फिफ्थ है, HTST विधि से दूध का क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको सत्य असत्य की पहचान करनी है। पहला है, टोंड एवं डबल टोंड दूध का निर्माण मानवीकरण कहलाता है। सेकंड है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 32 से 40 होता है। थर्ड है, सहकारिता दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों की एक सरकारी संस्था है। फोर्थ है, संकर नस्ल की गायें भारतीय जलवायु के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। फोर्थ है, पशु का कंकाल एक जैव ऊतक है। सिक्स है, बकरी भैंस एवं भेड़ों में कुबड़ उपस्थित होता है। तो 5th नंबर क्वेश्चन तक आपके हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का था। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इनसे ज़्यादा। तो 6th नंबर क्वेश्चन है, अंडाशय एवं उपास्थि पर टिप्पणी लिखिए अथवा गाय के कंकाल के 2 मुख्य कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृत्रिम गर्भाधान के किन्हीं 2 दोषों को लिखिए अथवा कृत्रिम गर्भाधान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दाता माँ का बछड़ा पैदा करने में क्या योगदान है अथवा भ्रूण विखंडीकरण विधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवर्धन मत्स्य पालन के अंतर्गत आने वाली कुछ मछलियों के नाम लिखिए अथवा मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के तालाबों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कड़कनाथ मुर्गी की 4 विशेषताएं लिखिए अथवा भारत में मुर्गी पालन के कोई 2 महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सहकारिता के 2 प्रमुख आर्थिक लाभ लिखिए अथवा सहकारिता के कोई 2 सामाजिक लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सहकारिता के 2 मूल तत्वों को लिखिए अथवा सहकारी फेडरेशन के 2 कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिकन वर्ग की मुर्गियों की
दो प्रमुख नस्लों के नाम लिखिए अथवा अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी की कोई दो पहचान लिखिए। प्रश्न के 14 है, भारत में पशुपालन की कोई तीन कठिनाइयाँ गिनाइए अथवा केंद्रित ग्राम योजना के कोई तीन उद्देश्य लिखिए। प्रश्न के 15 है, जाफराबादी भैंस की निम्न बिंदुओं पर जानकारी लिखिए। पहला है मूल स्थान, सेकंड है उत्पादन क्षमता और थर्ड है दो विशेषताएं। अथवा भदावरी भैंस की तीन विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पशु प्रजनन की क्रमोन्नति विधि के लाभ लिखिए, कोई तीन लाभ लिखने हैं आपको, अथवा अंतः प्रजनन एवं बाह्य प्रजनन में तीन अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्भवती गाय की देखभाल के तीन उपाय लिखिए अथवा विनिंग क्या है इसके दो लाभ लिखिए। प्रश्न संख्या 18 है, पशुओं को पहचान चिन्ह देने के कोई चार उद्देश्य लिखिए अथवा पशुओं के बधियाकरण के कोई चार उद्देश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 19 है, पूर्ण हस्त दोहन विधि क्या है इसके चार गुण लिखिए अथवा कृषि प्रबंधन की जानने योग्य पांच बातें लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है, खीस एवं दूध के पांच भौतिक गुणों के में अंतर लिखिए अथवा खीस से क्या अभिप्राय है इसके कोई चार कार्य लिखिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सभी क्वेश्चनों को देख लें, याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें जिससे उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, इनका सॉल्यूशन आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।